ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भारत में तेजी से तरक्की कर रहा है। वित्त वर्ष 2018-2019 में नेटफ्लिक्स की ग्रोथ 700% दर्ज की गई। इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाला लोकल कंटेंट है। साल 2016 में भारत में लॉन्च होने के बाद से नेटफ्लिक्स साल दर साल तरक्की कर रहा है और वित्त वर्ष 2018-19 में इसकी ग्रोथ में बड़ी उछाल आई है। नए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में नेटफ्लिक्स इंडिया ने 700% की ग्रोथ दर्ज की है। साल 2018 में नेटफ्लिक्स ने 58 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो साल 2019 में बढ़कर 466.70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर मुनाफा देखें तो साल 2018 में नेटफ्लिक्स को 20 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, जो साल 2019 में बढ़कर 5.10 करोड़ रुपए हो गया। नेटफ्लिक्स में हुई इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह लोकल कंटेंट को बताया जा रहा है। इनमें सेक्रेट गेम्स और लीला जैसी सीरीज को खासी लोकप्रियता मिली थी, हालांकि सेक्रेट गेम्स का पार्ट 2 ज्यादा धमाल नहीं मचा पाया। लोकल कंटेंट के अलावा नेटफ्लिक्स का मोबाइल ओनली प्लान भी काफी कारगर साबित हुआ। इस प्लान की वजह से नेटफ्लिक्स से करीब 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े। फिलहाल भारत में नेटफ्लिक्स के 1.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं यूजर्स और कारोबार के मामले में सबसे बड़ी कंपनी हॉटस्टार मुनाफा कमाने की बजाय घाटे में चल रही है। साल 2018 में हॉटस्टार ने 571.50 करोड़ रुपए और साल 2019 में 1,112.70 करोड़ रुपए की कमाई की, मगर कंपनी का खर्च बढ़ने की वजह से साल 2018 में इसे 389 करोड़ रुपए और साल 2019 में तकरीबन 554.38 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।